ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ मंदिर के बारे में कथा है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर फैला दिया। सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उगम होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। इस मंदिर को कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है और यह शिलाखंड भूरे रंग की है। केदारनाथ का मंदिर 3413 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तरीके का इस्तेमाल किया गया है। इस मजबूती के कारण ही मंदिर आज भी अपने उसी स्वरूप में खड़ा है। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ 5 नदियों का संगम भी होता है। उनके नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी आदि है। इन नदियों में से कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी आज भी मौजूद है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।